नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस बीन आता है. इट मीन्स हैव बीन या हैज बीन. आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है टाइम के लिए. टाइम से पहले सिंस या फॉर लगता है. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम में. अब देखते हैं यहाँ पर फॉर का यूज़ कब होता है और सिंस का यूज़ कब होता है. अगर हम ये कहेंगे 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स, तो वहाँ पर आएगा फॉर. और अगर हम कहें 10 AM, ठीक है, 10 AM, तो वहाँ सिंस. कहेंगे 4 डेज या 5 डेज, हम कोई एग्जैक्ट नेम मेंशन नहीं कर रहे, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं, ओनली 4 डेज, तो वहाँ फॉर आएगा. यहाँ पर हम नेम मेंशन कर रहे हैं डे का, फ्राइडे या सैटरडे या संडे, जो कुछ भी है, तो यहाँ सिंस आए. 3 मंथ्स अगो, 4 मंथ्स अगो, सिर्फ महीने बता रहे हैं कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन हम किसी भी महीने का या किसी भी मंथ का नाम मेंशन नहीं कर रहे. यहाँ फोर आएगा. अगर हम नाम मेंशन करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, तो यहाँ सिंस आएगा. ईयर्स, 2 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो, तो वहाँ पर फोर आएगा. अगर हम सन बताते एग्जैक्ट इन 2020 या 2019, तो यहाँ पर सिंस आएगा. सबसे पहले आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले आएगी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर. एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस जो कुछ भी आपका होगा ऑब्जेक्ट या कुछ, उसके बाद सिंस या फॉर एंड देन टाइम. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम मेंशन होता है. उसके बाद निगेटिव स्ट्रक्चर आएगी. निगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज. आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा. बाकी सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा. और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और बीन, चाहे हेल्पिंग वर्ब है तो या हैव, उसके और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा. ठीक, निगेटिव है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी देन सिंस या फॉर एंड टाइम. हमारा पार्ट बी है फ्रेमिंग क्वेश्चंस. फ्रेमिंग क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाने होते हैं. इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक विद क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, दूसरा विदाउट क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव. विदाउट क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, एंड विद क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है. तो पहले इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, चाहे हैव हो या हैज हो. सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाना कंपल्सरी. ठीक है, और अगर ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी सिंस फॉर एंड टाइम. अब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आएंगी सिंस या फॉर एंड टाइम क्वेश्चन वर्ड. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है विद क्वेश्चन वर्ड तो पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी
सिंस या फॉर एंड टाइम क्वेश्चन। उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल सेंटेंस एंड क्वेश्चन। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। यहाँ पर एग्जैक्ट नाम दे रखा है 5 फ्राइडे ना ट्यूजडे, इसमें 5 PM दे रखा है। 2 hours या 3 hours नहीं दे रखा, इसलिए सिंस आया। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरोगेटिव में हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। यहाँ दे रखा है राज हैज बीन कटिंग वुड लॉग्स फॉर 6 hours। तो फिर इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। पहले हम लाएंगे विद हेल्पिंग वर्ब, मतलब विदाउट क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड। हैज राज बीन कटिंग वुड लॉग्स फॉर 6 hours क्वेश्चन मार्क। अब हम ये जो वुड लॉग्स है इसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि जो हमारा आंसर हो उस आंसर में वुड लॉग्स आए। ठीक है, राज क्या काट रहा है ना, राज क्या काट रहा है, तभी तो हमारा रिप्लाई होगा वुड लॉग्स। ठीक, लकड़ी के जो होते गट्ठे वो, तो राज क्या काट रहा है, तो क्या के लिए आएगा व्हाट, तो ये हो जाएगा। सॉरी एक कैमरे से तो बात गया, तो यहाँ है राज हैज़ बीन कटिंग वुड लॉग फॉर 6 hours। देखो यहाँ फॉर आया क्योंकि 6 hours दे रखा है, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया कि 6 AM या 6 PM, 6 hours 6 घंटे दे रखे हैं। तो वुड लॉग से यहाँ वुड लॉग के लिए क्वेश्चन अराइज करेंगे, ताकि हमारा आंसर आए वुड लॉग। तो हो जाएगा व्हाट हैज़ राज बीन कटिंग फॉर 6 hours, राज 6 घंटे से क्या काट रहा है, तभी तो आप आंसर देंगे वुड लॉग्स। ठीक, तो ये हमारा दोनों तरीके से बन सकता है, विदाउट क्वेश्चन वर्ड एंड विद क्वेश्चन वर्ड। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ। आई हैव बीन डांसिंग सिंस 9:30 PM। तो उसके क्या हो जाएगा, हैव आई बीन डांसिंग सिंस 9:30 PM। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है आपका ये कंप्लीट हो गया। प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपने नोट्स में जितना भी आपको वीडियोस में अवेलेबल कराया गया है उन सबको आप अपने नोट्स में मेंशन कीजिए।